नमस्कार, हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। इंडियन जूनियर वुमेन्स हॉकी, हरियाणा की 3 खिलाड़ियों का भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में हुआ चयन, विश्व कप में दिखाएंगी प्रतिभा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी की टीम में हरियाणा के सोनीपत जिले की 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इनमें ब्रह्मनगर निवासी मंजू चौरसिया, भगत सिंह कॉलोनी निवासी प्रीति और मूल रूप से हिसार अब टीकाराम कन्या हॉस्टल में रहने वाली शर्मिला शामिल हैं। अब ये खिलाड़ी 1 से 12 अप्रैल तक दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जूनियर विश्व कप में प्रतिभा दिखाएंगे। तीनों खिलाड़ी कोच प्रीतम सिवाच के पास कई सालों से अभ्यास कर रही हैं। जिले से 3 खिलाड़ियों का चयन भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में होने से परिजनों में खुशी की लहर है। खिलाड़ियों ने कहा कि वे कई सालों से सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र स्थित हॉकी मैदान पर कोच प्रीतम सिवाच के पास अभ्यास कर रही हैं। कोच प्रीतम सिवाच ने न सिर्फ हमें हॉकी में गुर सिखाए बल्कि हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ी रही। उन्होंने विपरीत हालात में भी हमारा हौसला नहीं टूटने दिया। इन खिलाड़ियों का हुआ चयन। मंजू चौरसिया ब्रह्मनगर निवासी वकील भगत की बेटी मंजू ने बताया, मेरे पिता मेहनत मजदूरी कर घर का पालन पोषण करते हैं। बचपन से ही मुझे हॉकी खेलने का शौक था, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र में कोच प्रीतम सिवाच के पास जाती थी। उन्होंने हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए न सिर्फ खेल के लिए प्रोत्साहित किया बल्कि हर कदम पर सहयोग भी किया। प्रीति भगत नगर निवासी शमशेर सिंह की लाडली प्रीति ने कहा कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, पिता मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। हॉकी खेलने के शौक में कोच प्रीतम सिवाच के पास पहुंचे और उन्होंने हमें हॉकी के गुर सिखाते हुए इस लायक बनाया कि आज हम भारतीय जूनियर महिला हॉकी में अपना स्थान बनाने में कामयाब हुई। शर्मिला मूल रूप से हिसार की रहने वाली शर्मिला ने बताया कि टीकाराम कन्या महाविद्यालय के हॉस्टल में रहती हूँ, यहाँ से 12वीं कक्षा की पढ़ाई की। मैंने कोच प्रीतम सिवाच के पास हॉकी के गुर सीखे, उनके मार्गदर्शन और सहयोग से भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम में स्थान बनाने में कामयाब हुई। हॉकी जूनियर विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन कर अपने गुरु का मान बढ़ाएंगी। हरियाणा के पानीपत जिले की रोडवेज डिपो के 3 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, इसके साथ ही 9 कर्मचारियों को चार्जशीट किया गया है। पानीपत रोडवेज डिपो के GM कुलदीप जांगड़ा ने यह कड़ा एक्शन लिया है। इसके साथ ही 3 बड़ी कार्यवाही होने के बाद रोडवेज डिपो के सभी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। सस्पेंड की गई कर्मचारी ने हैवी ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट जारी किए जिनमें लाखों रुपये की राशि का घपला किया गया। वहीं विभिन्न आरोपों में 9 कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी किया गया है, साथ ही उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है, क्योंकि चालक का प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि आमजन रोड यूजर की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, कोताही एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सभी अभ्यर्थियों को समयबद्ध एवं नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैच नंबर 1209 के सर्टिफिकेट जारी करने के दौरान हुआ खुलासा। इन सर्टिफिकेटों पर साइन करने के दौरान GM की नज़र में कई तथ्य सामने आए, जिसके बाद उन्होंने इस बारे में जांच के लिए AO, ADA व OS की एक संयुक्त टीम गठित कर दी, जिनके एक माह में जांच में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। बदल दी पूरी टीम, जांच जारी। GM झांगड़ा ने सवाल पूछे जाने पर GM ने बताया कि इस जांच के बाद इंचार्ज समेत 3 को सस्पेंड व चार्जशीट किया गया है। इंचार्ज के अलावा सस्पेंड किए जाने वाले दोनों कर्मियों की कोई तरह की कोताही एवं लापरवाही पाई गई है। वहीं ट्रेनिंग देने वाली टीम में शामिल 9 और कर्मचारियों को चार्जशीट किया गया है। उन्हें आरोप पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। यह पूरी टीम बदल दी गई है। पंचायती जमीन पर कब्जे के मामले में 3 सप्ताह में फाइनल होगी पॉलिसी। AG ने दिया आश्वासन, इस दौरान नहीं हटाए जाएंगे कब्जे। हरियाणा में पंचायती जमीन पर कब्जे के मामले में मालिकाना हक को लेकर पॉलिसी 3 सप्ताह में फाइनल कर दी जाएगी। हरियाणा सरकार के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने यह आश्वासन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को दिया है। एडवोकेट जनरल ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि पॉलिसी फाइनल होने तक याचिका दायर करने वाले के कब्जे नहीं हटाए जाएंगे। इस पर जस्टिस AG मसीह और जस्टिस संदीप मुगदिल की खंडपीठ ने 3 सप्ताह का समय देते हुए मामले पर 28 अप्रैल के लिए अगली सुनवाई तय की है। AG ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे बहुत से मामले हैं जहां पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे किए गए हैं और इन जगहों पर निर्माण कार्य भी कर लिए गए हैं। इन जगहों को खाली करवाने को लेकर याचिकाएं विचाराधीन हैं। कई मामलों में जगह खाली करवाने के आदेश भी दिए जा चुके हैं और उन्हें लागू करवाना बाकी है। इस संबंध में अलग अलग याचिकाएं दायर कर जमीन खाली करवाने के आदेशों को चुनौती भी दी गई है। पंजाब में भगवंत मान के शपथ ग्रहण के बाद अब उनकी कैबिनेट के मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। 19 मार्च सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में सभी उन विधायकों को बुलाया गया जो मंत्री पद की शपथ लेंगे और इसके साथ ही कल ही भगवंत मान अपनी कैबिनेट की पहले बैठक भी सचिवालय में करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार में मौजूदा विधायक जो फिर से चुने गए हैं, इस बार उन्हें भी पंजाब में भगवंत मान की सरकार में मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने मंत्रिमंडल में अपने ही लोगों को जगह दे सकते हैं। कई अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक किसी भी कैबिनेट को चुनने का मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है और मुख्यमंत्री के इस काम में पार्टी कोई दखल नहीं देगी, यानी कि ऐसे में भगवंत मान के भरोसेमंद लोगों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट अ वेल रेप्यूटेड सीनियर डॉक्टर हैज जॉइंड अस इन यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, डॉक्टर गौरव सिंह रंधावा।
लेप्रोस्कोपिक यूरो ऑनको सर्जन। ओपीडी टाइमिंग मॉर्निंग 9 AM टू 10 AM, इवनिंग 1 PM टू 7 PM फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।